जाने महिलाएं कद्दू क्यों नहीं काट सकती। कद्दू को काशी फल, कुम्हड़ा, पेठा, भतवा, मखना आदि जैसे नामों से जाना जाता है। कद्दू से कई तरह के बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाए जाते हैं, साथ ही यह सेहत के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि कद्दू को आयुर्वेद में औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। लेकिन कद्दू कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि इससे कई धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए कई घरों में आज भी महिलाएं कद्दू नहीं काटती हैं। पहले घर का कोई पुरुष कद्दू काटता है, उसके बाद ही महिला इसे काट सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इसका क्या कारण है और इसके पीछे क्या धार्मिक महत्व है? कद्दू को माना जाता है बेटा। लोक मान्यताओं के अनुसार कद्दू को बड़ा या ज्येष्ठ पुत्र माना जाता है। छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में, विशेषकर आदिवासी समुदाय की महिलाएं तो आज भी कद्दू नहीं काटती हैं, क्योंकि इसके पीछे मान्यता है कि कद्दू को काटना बड़े बेटे की बलि देने के समान होता है। इसलिए कद्दू का व्यंजन बनाने से पहले पुरुष इसे काटते हैं, फिर महिलाएं इसके छोटे छोटे टुकड़े काट सकती हैं, क्योंकि महिलाएं कद्दू को साबुत नहीं काट सकती। नारियल की तरह ही कद्दू का भी महत्व है। हिंदू धर्म में जिस तरह महिलाओं का नारियल फोड़ना वर्जित होता है, उसी तरह से कद्दू काटना भी मना होता है। महिलाएं पूजा में नारियल चढ़ा सकती हैं, लेकिन इसे फोड़ नहीं सकती हैं। ठीक इसी तरह महिलाओं को कद्दू काटने की भी मनाही होती है। कद्दू को जब तक पहले कोई पुरुष ना काटे, महिला इसे नहीं काट सकती। इसका कारण यह है कि सनातन धर्म में नारियल और कद्दू जैसी चीजों को सात्विक पूजा में बलि का प्रतिरूप माना जाता है। स्त्री सृजन करता है, ना कि संहार करता। ऐसा पौराणिक महत्व है कि जहां पशु बलि नहीं दी जाती है, वहां कद्दू को पशु का प्रतीक मानकर बलि देने की परंपरा है। सनातन परंपरा के अनुसार स्त्री सृजन करता है, ना कि संहार करता। स्त्री माँ है, जो जन्मदात्री है और जन्म देती है, इसलिए वह प्रतीकात्मक रूप से भी बलि नहीं दे सकती है। स्त्री का स्थान संसार में सबसे उच्चतम रखा गया है, वह माँ है। उसमें नष्ट करने की प्रवृत्ति नहीं, अपितु उसमें सृजन करने की विशिष्टता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।